स्कूल, यहाँ हम सब आए पहली बार रोते हुए और वापस गए एक आखिरी बार फिर से रोते हुए, पर इस बार बहुत सारे यादों के साथ। दस साल पहले इस बच्चे को स्कूल जाना पसंद ही नहीं था और अब देखो उस जगह को छोड़ के जाना मन ही नहीं कर रहा है। दिस इज क्लास 12D और ये भी टू बी ऑनेस्ट हमारा लास्ट ईयर है स्कूल। और अंदर ही अंदर हम सब ने इस आखिरी दिन को धीरे धीरे नजदीक आते हुए देखा। एक आखिरी बार क्लास फोटोग्राफ, एक आखिरी स्कूल फील्ड ट्रिप और आखिरी बार स्कूल के बाहर कदम रखने से पहले कुछ चीजें थी जो कि अभी तक बाकी थी। एंड उसमें से एक चीज थी फेयरवेल पार्टी। यहाँ पे नजारे फिल्म फेयर से कम नहीं थे क्योंकि सब फैशन की कॉम्पिटिशन में थे। और वही दूसरी जगह नजारे इतने भी अच्छे नहीं थे। ले ले ले, ब्रो इज गॉन। अच्छा कुछ और, वेट वेट, कैन यू टेल अस अबाउट योर स्ट्रगल फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया एंड नाउ बीइंग पार्ट ऑफ सच अ एस्टैब्लिश्ड स्कूल एंड सिटी। श्योर श्योर श्योर। फ्रॉम नाइजीरिया आई केम इन अ ऑटो रिक्शा ओह टिल दिल्ली। ओह डैम, जॉइन स्ट्रगल स्ट्रगल। ओह हाउ डज इट फील टू गेट फूड एंड वाटर आफ्टर सो लॉन्ग स्ट्रगल? It's a good feeling. People like Ruhan are getting smaller and smaller day by day. Oh. I'm still stronger than you, bro. Oh. After so many other struggle in Africa, we must give them a chance to finally get recognized. Yeah! और बस देखते ही देखते आखिरी दिन आ चुका था। स्कूल लाइफ खत्म होने आ गई थी, पर उससे पहले मुझे इस 10 साल के शर्मीले और शांत सार्थक के लिए कुछ करना था। सो आई टुक अप द चैलेंज एंड डिसाइडेड स्कूल के सामने एक आखिरी स्पीच देना। पर जितना दिख रहा है उतना आसान बिल्कुल नहीं था। ओके बॉयज, वन डे बिफोर द फेयरवेल, ये हाथ में स्पीच। और फिर सबको एक अर्थक्वेक फील होगा। दुम 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 दुम। कल सब लोग सामने होंगे, पहली बार स्पीच दे रहा हूँ, देखते क्या होता है। नर्वसनेस तो बहुत थी, पर बस बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, बहुत सारे इमेजिनेशंस के बाद इसे एक आखिरी बार तो करना ही था। आज प्रोबेबली लास्ट टाइम है कि हम लोग सुबह 6:30 बजे उठ रहे स्कूल जाने के लिए। स्पीच हाथ में है, अभी तक पता नहीं यार स्पीच पूरी हुई है कि नहीं, अभी तो सब अप डाउन ही है, देखते हैं अभी कैसी स्पीच जाती है। एंड फाइनली द बिग डे, फेयरवेल इज हियर। 12 सालों के स्कूलिंग के बाद इट्स ऑल कमिंग टू एन एंड। इधर से शुरू हुआ था, इधर ही अब खत्म हो रहा है। हमेशा जब हम चल के जाते थे एग्जाम के पहले, हम लोग बुक्स लेके जाते थे, मैं तो नहीं मतलब ये साइंस वाले, पर हाँ इस बार हम लास्ट टाइम अभी स्पीच लेके जा रहे हैं जो हमने स्कूल के लिए लिखी है। डिफरेंस फाड़ेंगे। डर तो था, पर इससे ज्यादा उस चीज का डर था कि अब बचपन का सफर खत्म होने आ गया था, बस अब इन्हीं इमोशंस को एक्सप्रेस करना था। I've been in the school for the last 12 years and 12 सालों में पहली बार हिम्मत हुई है टू कम अप ऑन द स्टेज एंड गिव अ स्पीच। और हिम्मत होती भी कैसे नहीं, व्हेन यू रियलाइज कि अब समर्स तो होंगे पर समर वेकेशंस नहीं, खाना तो हम रोज खाएंगे पर एक दूसरे के टिफिन से नहीं। ऑल आई वांट टू से इज दैट हियर आई डिडंट मेक फ्रेंड्स, I made brothers. The deep part is that आज हम सब लोग अपने क्लास में आखिरी बार बैठेंगे। सब लोग अपनी अपनी लाइफ की रेस में लग जाएंगे and life will surely not be the same. जो सोचा था, जो चाहिए था वैसा ही हो रहा था and bucket list में से एक चीज finally tick हो ही गई। In the end, DBS is in the school. It's an emotion. DBS का नाम हमेशा ऊंचा रखना। With that said, one last time, thank you. Wow, finally did it. और ऐसे ही ये 12 साल की जर्नी का एंड आ चुका था। कुछ लोगों को तो मैं आखिरी बार देख रहा था और सबने एक दूसरे को प्रॉमिस तो किया कि टच में रहेंगे, पर देखते हैं वेयर लाइफ टेक्स अस। और अब मेरे मन में बस एक ही लाइन चल रही थी, क्या जल्दी जल्दी बड़े हो गए ना हम। वो दिन भी क्या दिन थे।